हेलो गाइस, कॉर्नर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आया हूँ गुलदर। आज आपको मैं काम दिखाऊंगा कि गुलदर स्टेशन पे क्या क्या काम हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी काम स्टार्ट हो गया है, फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सेगमेंट है, उसको ऊपर उठाया जा रहा है और फिर इसको यहाँ पे ये फिक्स कर देंगे। गाइस, मैं यहाँ पे आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है यहाँ पे। आइए तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फिनिशिंग का काम है ना, इसमें तो ये फाइबर शीट लगाए जाते हैं, वो लगाने का काम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पे रखे हुए हैं ये सारे इसके फ्रेम, जिनके ऊपर ये जो कर्टेंस लगाया जा रहा है इनको लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं काम को। तो ये तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था कि यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह का काम हो चुका है। तो ये रहे आपके स्टेयर्स, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका एस्केलेटर लग चुका है, इसमें लिफ्ट भी लगा दिया गया है, आगे है वो, और दूसरे वाले स्टेयर्स का भी काम हो चुका है। तो यहाँ पे ये तो काम कंप्लीट हो चुके हैं स्टेयर लिफ्ट वगैरह के, और ऊपर स्क्रीन डोर्स का भी काम मतलब चालू हो रखा है। तो सारे काम कंप्लीट है, अब यहाँ पे बेसिकली फिनिशिंग का काम ही किया जा रहा है। गाइस, ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो एक एंट्री और एग्जिट होने का काम वो चल रहा है यहाँ पे। सो उसके लिए यहाँ पे जो मकान वगैरह है यहाँ पे उसको डिमोलिश किया जा रहा है कि यहाँ पे स्पेस बनाया जा सके। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वह उनके फाउंडेशन का काम चालू किया जाएगा। यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और स्पेस बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस जगह पे कहीं बनाया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तोड़ दिया गया है। गाइस, यहाँ पे तो ओवरहेड वायरिंग वगैरह का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा वो कंप्लीट कर दिया गया है। इधर यहाँ से दुहाई तक, मतलब दुहाई से थोड़ा पहले तक कंप्लीट कर दिया गया है। और ये ऊपर क्या कहते हैं, ग्रिल्स भी लगा दिए गए हैं, कुछ पार्ट में बाकी है बस। तो इधर का काम काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है। गाइस, फ्रंट में जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली रूफ का काम तो कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक यहाँ पे जो फ्रंट में स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इसको काफ़ी टाइम से ऐसे ही छोड़ रखा है। तो यहाँ पे मे बी कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट कुछ लगाते हुए यहाँ पे कुछ और करेंगे, तभी इन्होंने यहाँ पे रूफ को एक्सटेंड नहीं किया है स्ट्रक्चर के ऊपर। फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा, मे बी जो भी होता है मैं आपको अपडेट दूंगा इसके बारे में। तो गाइज, ये देखिए यहाँ से आ रहा है लुक, ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी पार्ट में ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है जो भी है, कर्टेन लगाने का काम कर लिया है इन्होंने, और यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है यहाँ पे इसका, देख सकते हैं आप ये। और ये स्टेयर्स वगैरह अंदर पेंटिंग वगैरह काम चल रहा है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एसी के एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा दिए जा चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है यार यहाँ पे। तो फ्रेम वगैरह यहाँ पे सेट कर दिए गए हैं, अब इनके ऊपर बस फिटिंग करने का काम रह गया है, जो ये कर्टेंस का इसको जो डिज़ाइन लगा रहे हैं इसको बस लगाना रह गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे इधर जो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसके ऊपर की जो शेड बच रही थी वो उन्होंने शेड भी बना दिया है, अब इसके ऊपर रूफिंग की जाएगी। सो यार, काम तो बहुत तेज चल रहा है यहाँ पे। फ्लोरिंग का काम पहले इन्होंने काफ़ी पहले कंप्लीट कर दिया था, अब यहाँ पे रूफिंग भी कम्प्लीट हो गई है, देख सकते हो। चलिए उधर से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सामने की तरफ से।
तो ये देखिए गाइस, सामने से यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे ये इधर का स्टेयर्स वगैरह सब इन्होंने बना दिया है, सब इन्होंने बना के रेडी कर दिया है, और ये एस्केलेटर भी यहाँ पे फिट कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए फ्रंट में, ये मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ, तो अंदर कुछ काम चल रहे हैं थोड़े मोड़े, और ये वही बाहर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, अभी इसके ऊपर रूफिंग नहीं की गई, इधर भी वायरिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, गाज़ियाबाद के स्टेशन तक, गाज़ियाबाद से थोड़ा थोड़ा पहले तक। तो चलिए दोस्तों, आज के अपडेट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नए अपडेट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी और नए अपडेट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। It's not a game, it's a rage game.